नमस्कार, मैं सुनील कुमार वर्मा, कला अध्यापक, जवाहर नवोदय विद्यालय यमुनानगर हरियाणा से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग राजस्थानी कला के अंतर्गत जयपुर शैली का सबसे प्रमुख चित्र राम भरत मिलन के बारे में पढ़ेंगे। जयपुर शैली का संक्षिप्त विवरण देखेंगे। जयपुर का गुलाबी नगर देश विदेश में अपनी नगर योजना, स्थापत्य, सौंदर्य व चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। बंधेज की साड़ियां, संगानेरी छापे और कागज, जयपुरी जूतियां, कांच की चूड़ियां, लाख के बने खिलौने तथा कंगन भी प्रसिद्ध हैं। जयपुर की स्थापना महाराजा सवाई जय सिंह ने 1727 में किया था। यहाँ के चित्रों में पुरुष का पगड़ी तथा घेरदार चुन्नी, जामा, कमर पर पटका, कसा हुआ मुख्य परिधानों में से एक है। जयपुरी चित्रों में मुगल काल का प्रभाव देखने को मिलता है। जयपुर चित्रकारों के प्रिय विषय वस्तु में कृष्ण लीला, भारतीय ग्रंथ, बारहमासा, राग रागिनी तथा राज दरबार आदि के विषय प्रमुख रहे हैं। जयपुर चित्रों के मुख्य विशेषताओं में से प्रमुख इनके चित्रों में आकृतियों की भरमार रहती है तथा मानव व पशु आकृतियों को एवं प्रकृति के चित्रण को बहुत ही बारीकी और भाव युक्त बनाया गया है। चित्र संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। चित्र का नाम है राम भरत मिलन, चित्रकार गुमान या घुमन, माध्यम पृष्ठ पर जल रंग यानी वाटर कलर, काल 18वीं शताब्दी, शैली जयपुर शैली, संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। चित्र के विषय वस्तु को देखेंगे। इस चित्र में रामायण से संबंधित भरत अपने पूरे परिवार के साथ राम से मिलने चित्रकूट आए हुए हैं। इस चित्र की व्याख्या को देखेंगे। इस चित्र में राजा भरत अपने तीन माताओं और गुरु के साथ राम से मिल रहे हैं तथा एक ही चित्र में कई घटनाएं दर्शाई गई हैं। इस चित्र में लगभग 49 आकृतियां अलग अलग समूहों में बनाई गई हैं, जिसमें नीचे दाहिने ओर राम अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिलने पर बेहोश हो जाते हैं, नीचे बाईं ओर राम साधुओं को प्रणाम करते हुए दिखाई देते हैं तथा उसी भाव के साथ उनके पैरों पर गिर जाते हैं। एक दृश्य में राम अपने माताओं से मिल रहे हैं, जिसमें लक्ष्मण और सीता को भी दिखाया गया है। चित्र में एक दृश्य में गुरु विश्वामित्र राम और सीता को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। माताएं सीता को आशीर्वाद दे रही हैं। पूरे चित्र में प्राकृतिक दृश्यों को बहुत ही मनोहारी ढंग से बनाया गया है। चित्र के अंत में दाहिने ओर राम, सीता, लक्ष्मण अपने भाइयों तथा गुरुओं से 14 वर्ष वनवास के बाद वापस लौटने का वादा करते हुए विदा लेते हैं। चित्र के पीछे कुटिया बनाई गई है। माता तथा गुरुओं को सफेद वस्त्रों में दिखाया गया है। रंगों का संतुलन बहुत अच्छा है। कुछ स्त्रियों के चेहरा एक चश्म बनाए गए हैं। कुटियों के पीछे हरे रंग के केले तथा वृक्षों के झुंड दिखाए गए हैं। इस चित्र से संबंधित कुछ गृह कार्य भी आपको दिए जा रहे हैं, जो कि आप ध्यान से देखेंगे और समय पर पूर्ण करेंगे। प्रश्न पहला, इस पेंटिंग को ध्यान से देखकर इसकी पूर्ण व्याख्या अपने नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न दूसरा, इस चित्र का क्या नाम है? प्रश्न तीसरा, उपरोक्त चित्र का चित्रकार कौन है? प्रश्न चौथा, इस चित्र का काल समय बताएं। प्रश्न पांचवा, यह चित्र किस शैली में बना है? प्रश्न छठा, वर्तमान में यह चित्र कहां पर संग्रहित है? प्रश्न सातवा, यह चित्र किस माध्यम में बना है? इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।